जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग फैक्ट बेस्ड जीके में पढ़ने वाले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, आज हम इस लेक्चर में देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ फॉर्डर पॉइंट्स, फैक्ट्स बेस्ड, जो कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारा लेक्चर रहेगा वो फैक्ट बेस्ड रहेगा एंड रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्लियर। तो बेसिकली बिकॉज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन बना है, दैट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि एक ऐसा बॉडी बने, इस्टेब्लिश्ड हो, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहा जाता है। अब बेसिकली इसका काम क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ परमानेंट एंड एन इंडिपेंडेंट बॉडी स्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री। देखिए, हमारी कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में। तो आपको याद रखना है, इलेक्शन कमीशन का काम है टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अगर ये बॉडी है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन्ड है? तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, जब मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और उससे रिलेटेड आर्टिकल्स के बारे में बताया था, तब मैंने आपको बताया था आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 वो बताता है देयर शैल बी एन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है जो किसके अंडर, किसके ओनरशिप में आती है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मैंने आपको, जब याद होगा आपको, जब मैं कमीशंस और रिलेटेड मिनिस्ट्रीज के बारे में बता रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस आता है, क्लियर। नेक्स्ट बात करें, इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री। कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब द इलेक्शन कमीशन ऑपरेट्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज पर आर्टिकल 324। देखिए, मैंने आपको बताया था किस आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन ऑपरेट करता है, तो इट ऑपरेट्स अंडर आर्टिकल नंबर 324। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि आर्टिकल नंबर जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, वो किस एज पर किस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इट इज वर्क एज अंडर आर्टिकल 324। नेक्स्ट बात करें तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन जो है ये एक ऑल इंडिया बॉडी है, क्लियर। मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों के लिए कॉमन होता है। आप चाहे तो सेंट्रल का इलेक्शन देख लीजिए या स्टेट का इलेक्शन देख लीजिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, दोनों ही इलेक्शंस को कंडक्ट कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑल इंडिया बॉडी है, क्लियर, क्योंकि ये कॉमन है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब ये बॉडी जो है इलेक्शन कमीशन, ये कौन कौन से इलेक्शन कराती है? तो आपको ये याद रखना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हमारा, वो लोकसभा के इलेक्शन कराता है, राज्यसभा के इलेक्शन कराता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन कराता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, कुछ स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं, उनके इलेक्शन कराता है, और एंड द ऑफिसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, इनके ऑफिसेस के लिए भी जो इलेक्शन कराता है वो कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, इसी साल के शुरुआत में आपने देखा 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए, अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आ चुका है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी इलेक्शंस हैं। तो चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो या राज्यसभा का इलेक्शन हो, लेजिस्लेटिव असेंबलीज का इलेक्शन हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल का हो, प्रेसिडेंट का हो और वाइस प्रेसिडेंट का हो, इन सारे इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए जो बॉडी है, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये सारे फॉर्डर पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें,
अब कुछ और फॉर्डर पॉइंट्स देखते हैं हम। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है या फिर जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, क्लियर। अब ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है या फिर ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये कब तक के लिए ऑफिस को होल्ड करते हैं? तो आपको ये टर्म याद रखना है, 6 years और अप टू द एज ऑफ 65 years, विच एवर इज अर्लियर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही और शी अज्यूम्स हिज और हर ऑफिस। देखिए जिस डेट से उन्होंने ऑफिस में एंटर किया, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर हो, ठीक है, उनका टर्म का जो टर्म होता है, मतलब ऑफिस का जो टर्म होता है, वो 6 years का होता है या फिर वो 65 years के एज पे आ जाए, दोनों में से जो अर्ली हो, मतलब चाहे तो 6 साल का कार्यकाल उनका कंप्लीट हो जाए या फिर वो 6 साल से पहले ही 65 years के हो जाए, दोनों में से जो भी अर्ली होगा वो उनका टर्म होगा। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का जो टर्म है ऑफिस का वो कितना है, तो 6 years और अप टू द एज ऑफ 65 years, जो भी अर्लियर पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किस तरह किया जाता है ऑफिस से, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कैन बी रिप्रेजेंटेड रिमूव फ्रॉम देयर ऑफिस इन अ मैनर सिमिलर टू द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, ठीक है, उनको रिमूव करने का ऑफिस से वही प्रोसीजर है जो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज को होता है, क्लियर, जिसमें क्या है, एक रेजोल्यूशन पास करना होता है पार्लियामेंट के थ्रू जिसमें 2/3 मेजोरिटी यूज होती है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। अब इसके जो ग्राउंड्स होते हैं रिमूव करने के, वो जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के होते हैं वैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के भी होते हैं, दैट इज प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, मतलब या तो प्रूव मिसबिहेवियर हो उनका या फिर उनकी कैपेसिटी ही नहीं है। तो इन्हीं दोनों ग्राउंड्स पर सुप्रीम कोर्ट के जज को भी रिमूव किया जाता है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बिल्कुल सिमिलर मैनर में रिमूव किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज रिमूव फ्रॉम द ऑफिस इन अ मैनर सिमिलर टू, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ऑप्शन होगा जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का जो तरीका होता है उसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये बेसिकली कब फॉर्म हुआ, ये फॉर्म हुआ 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए हर साल 25 जनवरी को ही नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। आपको याद रखना है नेशनल वोटर्स डे, ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई 25 जनवरी जो है वो कौन सा डे है, तो वो बेसिकली हमारा कौन सा डे है, नेशनल वोटर्स डे, आपको याद रखना है क्योंकि फॉर्म कब हुआ, 25 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन जो है वो बेसिकली एक गार्जियन है ऑफ इलेक्शंस इन द कंट्री, मतलब हमारे यहाँ कंट्री में जो भी इलेक्शंस होते हैं उनके लिए गार्जियन कौन है, इलेक्शन कमीशन। और लास्ट पॉइंट ये है, हर इलेक्शन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इशू करता है वो इलेक्शन कमीशन करता है फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स टू कंडक्ट इलेक्शन इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। तो बेसिकली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है हर इलेक्शन, उसमें तो हर इलेक्शन में वो कौन देता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है, क्लियर। अब हम बात करते हैं जो करेंट में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है, तो अभी करंट की अगर हम बात करें तो जो करंट में जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो है मिस्टर राजीव कुमार। तो आपको याद रखना है अभी करंट टाइम पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है, राजीव कुमार। देखिए ये बेसिकली करंट इश्यूज से रिलेटेड टॉपिक है, तो ये इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो बदलते रहते हैं, तो आपको फ्रीक्वेंटली न्यूज़ को फॉलो करना पड़ेगा कि अभी करंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। तो आपको याद रखना है करंट में अभी कौन है, राजीव कुमार, और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है, अनूप चंद्र पांडे। वैसे मैंने आपको बताया था कंपोजिशन में कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक ही इलेक्शन कमिश्नर है, दैट इज अनूप चंद्र पांडे, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, राजीव कुमार, क्लियर। तो यहाँ पर आकर के हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खत्म होता है। आई होप कि आपको जितने भी मैंने फैक्ट्स बताए हैं वो आपको रिमेम्बर आपको रखना है, और आपको रखना ही पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर्स में
फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आर्टिकल कौन सा है, फिर उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है उनका टर्म क्या है, क्लियर। और एक इसमें और एक पॉइंट आपको याद रखना है जो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, वो आपको याद रखना है कि जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, और जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, बट विद द कंसर्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कंसर्ट ले करके और फिर बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाता है। तो आपको अपॉइंटमेंट भी याद रखना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। हमारी ये जो फैक्ट बेस्ड जीके की जर्नी है ये कंटिन्यू चलती रहेगी, और रोज़ मैं एक नया टॉपिक लेकर के आऊँगा, फैक्ट बेस्ड रहेगा, स्ट्रिक्टली फैक्ट बेस्ड। हमें कोई डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि हम बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं उसके लिए हम कंसर्न्ड हैं, ठीक है। आपको डिटेल में जाना है तो आप बुक्स पढ़िए या फिर मेरे जो डिटेल्स लेक्चर्स हैं उसको अटेंड करिए, बट यहाँ पर सिर्फ फैक्ट बेस्ड जीके ही होगा। तो गाइस कल हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। देखिए अभी पॉलिटी से रिलेटेड फैक्ट बेस्ड चल रहा है, धीरे धीरे पॉलिटी का जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे एंटर करेंगे। सो गाइस थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।